ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पी चिदंबरम ने अपना बजट पेश कर दिया और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि शायद चुनावी साल से पहले हो सकता है लोगों को खुश करने की कोशिश की जाए, खासतौर पर मिडिल क्लास को टैक्स में थोड़ी और राहत देकर, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज्यादा देखा नहीं। टैक्स के स्लैब में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और साथ ही साथ एक और चीज जिसके बारे में बार बार बात उठ रही थी कि ज्यादा अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो वित्त मंत्री ने इस बजट में जरूर लागू कर दिया। आपको बता दें कि सर्विस टैक्स में चेंज नहीं हुआ है, खाने पीने की चीजें महंगी नहीं होंगी, ये एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब सब्जियों पर यह लागू होगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। एक्साइज ड्यूटी में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 10 करोड़ वाली जो कंपनियां हैं उन पर 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा और 50 लाख से ज्यादा संपत्ति बेचने पर 1% का टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। खेती की जमीन खरीदने बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 2014 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। साथ ही साथ 1 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों की आमदनी है उनको 10% अतिरिक्त टैक्स पर सरचार्ज भी देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ का फंड बनाने की बात वित्त मंत्री ने कही है, एक अलग बैंक बनाने की बात कही है। इस बैंक में ज्यादातर महिलाओं को ही रखा जाएगा, महिलाओं को ही उसमें ज्यादा ऋण लेने की सुविधाएं दी जाएंगी, ये तमाम बातें वित्त मंत्री ने कही हैं। सेंसेक्स ने तो इस बजट को हरी झंडी नहीं दिखाई, गिरावट दर्ज की, लेकिन उद्योग जगत कुल मिलाकर कैसे देख रहा है इसे, आइए दिखाते हैं आपको। 50 लाख रुपए से ऊपर के घर के ऊपर आपने 1% TDS भी लगा दिया है और ऊपर से 1 करोड़ से ऊपर के घर के लिए या 2,000 स्क्वायर फीट के से बड़े घर के लिए आपको एडिशनल सर्विस टैक्स जो है वो आपको एडिशनल बर्डन पड़ गया है। इसके अलावा जो ये अच्छे क्वालिटी के हाउसेज होते हैं जो हायर कैटेगरी में आते हैं उसमें इम्पोर्ट है, जैसे मार्बल इम्पोर्ट है, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल लेवी देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से जो है ये जो घर हैं जो अमीर लोगों के घर हैं वो उनको महंगा कर दिया है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग या लो कॉस्ट हाउसिंग जो 25 लाख रुपए से कम लोन लेके जो है घर लिए जाएंगे उसके अंदर 1 लाख रुपए का एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट देके उनको इंसेंटिवाइज किया है आम आदमी को कि वो घर खरीदे। देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी सेट ऑफ बॉक्स इंडिया में बहुत लग रहे हैं क्योंकि कई जगह नियर अबाउट 50% जगह सेट ऑफ बॉक्स कंपलसरी हो गए हैं और ये लोग सारा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है 5% में लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 10% ड्यूटी कर दी ताकि लोग इंडिया में इसका डेवलपमेंट है और सेट ऑफ बॉक्स कोई डिफिकल्ट नहीं है और इंडिया में डेवलप भी हो रहा है और चाइना की कॉम्पिटिशन इस प्रकार से उन्होंने कम करी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया।